बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से आज के वीडियो करते हैं शुरू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं जी रेस्टोरेंट स्टाइल में मटर कीमा, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। इस तरह से हम रेस्टोरेंट से ढाबे से खाते हैं मटर कीमा अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही हम तैयार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बनाना जी। अल्हम्दुलिल्लाह दो बड़े साइज के हमने प्याज लिए हैं, तो सबसे पहले इनको काट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन मीडियम साइज के टमाटर हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर भी हमने काट लिए हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर प्याज हमने काट लिए हैं। तो कढ़ाई चढ़ा ली है हमने चूल्हे पर, तो दो चम्मच हम घी के ऐड करेंगे इसमें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, घी गर्म हो गया है, प्याज ऐड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज मीडियम ब्राउन हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जैसे ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से हमने भून लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर को भी अच्छी तरह से भूनेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर अच्छी तरह से गल गया है, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं पाउडर मसाला जार। शामिल है लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कढ़ाई गोश्त, नमक और मेथी। ये सारी चीज़ें हमने एक एक चम्मच ली हैं। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह मिसालों की माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मिसाले हमने अच्छी तरह से भून लिए हैं, तो एक कप इसमें दही का ऐड करेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह ये देखिए मिसाले की कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। मजीद और भुनेंगे मिसाल को। तो एक मिनट के लिए हम ढक से बंद कर देते हैं ताकि मिसाले जो हैं अच्छी तरह से पक जाएं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह एक मिनट हो गया है माशाल्लाह, ये देखिए मिसालों को अच्छी तरह से हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कीमा। अल्हम्दुलिल्लाह तीन पाव हमारा कीमा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। माशाल्लाह जी अच्छी तरह से हमने कीमे को मसाले में मिक्स कर लिया है। अब मजीद पकाएंगे इसको अच्छी तरह से। थोड़ा सा भूनने के बाद पानी ऐड करेंगे इसमें ताकि जो चिकन हमारा है अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा हमने कीमे को भूना है, तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं मटर ताकि मटरों को भी अच्छी तरह से कीमे में भून लें हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव मटर है।
मजीद भूनेंगे अच्छी तरह से मटर और कीमे को दोनों को। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कीमे और मटर को अच्छी तरह से भून लिया है, तो इसको अब मजीद पकाने के लिए हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमने ऐड कर लिया है, तो अब तकरीबन इसको 5 से 7 मिनट के लिए ढक बंद करके पकाएंगे ताकि मटर और कीमा अच्छी तरह से गल जाए। तो 5-7 मिनट के लिए ढक बंद करके पकाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 मिनट हमने इसको ढक बंद करके पकाया है, तो अभी हम ढक हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह क्या खुशबू आई है इसकी, देखिए माशाल्लाह हमारा कीमा और मटर अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। तो हमारा मटर कीमा तैयार है, इसको हम नीचे उतार लेते हैं अब। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम डालते हैं इसके ऊपर बारीक काटी हुई हरी धनिया और मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह करेंगे अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी अभी हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह हरी धनिया और डालेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर कीमा तैयार है, तो अभी हम टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आप बताते हैं कि कैसा तैयार हुआ है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बच्चों के साथ टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम नया फातिमा को टेस्ट कराएंगे। तो अभी मैं खुद टेस्ट करता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा मटर कीमा तैयार हुआ है, सेम जिस तरह से हम रेस्टोरेंट से ढाबे से खाते हैं वैसे ही तैयार हुआ है। तो कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? वीडियो पसंद है तो फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बार बार पहुंचता रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।